नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर ले रही है बनारस से। इस समय खड़ी हूँ मैं जिला वाराणसी, जो नरिया टड्डी है, पहाड़ियाँ की तरफ जाता है रोड। आज यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है। अभी अभी जो है कि 1200 करोड़ का उन्होंने सौगात लेकर आया था 16 फरवरी 2020 को। लेकिन आप देख सकते हैं कि विकास के मुद्दे किस तरह से है और लोगों को किस तरह से दिक्कत हो रही है। तो आज यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नाला बह रहा है, ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, यहाँ के लोगों का कहना है, और ये बहुत ही पुराना नाला है। लेकिन आज इस नाले से इस तरह से कि यहाँ पे रहना दुश्वार हो गया, किस तरह से लोग जीते हैं। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अभी इसके बारे में कोई देखने आया कि नहीं। आप देख सकते हैं ये खुला नाला है और इसके आसपास कितने घर हैं, मकान हैं, लोग हैं भी। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र, जहाँ पे इस नाले से जुड़े होंगे हजारों की संख्या में, और किस तरह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं इस नाले से कितने लोग हैं और कितने आसपास घर भी बने हैं। तो आइए हमारे यहाँ पे जो मौजूद बहन है उनसे बात करते हैं। आपका नाम दीदी? चिंता देवी। तो ये कब से बह रहा है नाला? ये तो नाला पानी एकदम साफ रहा। आज क्या है स्थिति? आज के दिन तो एकदम पूरा गंदगी, महक से जैसे रहे तो मन ना कर। किस तरह से दिक्कत हो रही है आप लोगों को? एक गंदगी से किस तरह की बीमारियां फैल रही है? बस यही मलेरिया, ये सब अनेक तरह की बीमारियां फैली। तो उसका मतलब अभी तक आप लोग इसके बारे में आवाज उठाए कि नहीं? नहीं कोई ऐसा नहीं है। जो भी नेता प्रेता आते हैं, आपका नाम भैया? हमारा नाम दत्त। तो किस तरह की दिक्कत होती है इस नाले से, खुले नाले से? मच्छर काटता, मलेरिया, लड़के बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, निकलना दुश्वार हो जाता है। लगभग कितने लोग जुड़े होंगे इसमें? बहुत लोग हैं, क्या करें, नाले के पास चल के रहना तो मजबूरी है। आदमी रह रही करे लोग तो कभी आवाज नहीं उठाए भैया आप लोगों ने? नहीं, आवाज तो जो नेता हम लोग के अंतर हैं, प्रधान है, तो उनसे बात हुआ, कह रहे हैं कि आज बनी कल बनी, आएगा समय तो बन जाएगा, इसका भी निर्माण हो चुका है। और इस नाले से किस तरह का बच्चों का डर लगता है? बच्चों को डर लगता है तो देखो, हम लोग बनवाए जो है ना, कितने बार गाड़ी लेकर गिर गए, साइकिल लेकर गिर गए, बच्चा लोग नाला में गिर जाए, तब उसके बाद हम लोग लेके चंदा लगा कर देखना करते, चंदा लगा। तो अभी कोई नहीं देखने आया इसे? कोई नहीं जाता, आते हैं लोग चले जाते हैं। तो किस तरह की बीमारियां फैलती इस महक से? बोला पगड़ियाँ से, बोला हमार बयान हो गए, बोला जो मच्छर काटते हैं बच्चे लोग को, जो कि हर एक तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, निकलने में भी दुश्वार। आप खुद महक हो, महकती हो, महक रहा है तो क्या करें, मजबूर ये कितने लंबा होगा सर? ये कितने लंबा होगा? बहुत लंबा, बहुत लंबा। गंगा जी से, नदी से जुड़ा हुआ है, इसलिए रामनगर के आगे। आप लोग कभी मांग नहीं कि भैया इस अगर से ढक जाएगा तो किस तरह का दिक्कत? बहुत बार बोला, बहुत बार, लेकिन हम लोग क्या करें, जनता हम लोग भाई आपसे कहना ही कहना ही भरना हो, आप तो कह देंगे ठीक है बन जाएगा, या वोट लेना पड़ता चाहते हैं लोग, हम लोग बात बांटते क्या माता जी कहिए लेकिन हाँ हो जाए, अब यही संतुलन दे रहा तो हम लोग क्या करें, यही सब परेशानियाँ हैं। छोटा छोटा बच्चा, आपका नाम दीदी? तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो किस तरह की दिक्कत होती है जब लाइट नहीं रहती है? पहले तो दिक्कत होती है कि बच्चे नाले में गिर ही जाते हैं, मेन प्रॉब्लम ये है, कोई देखा नहीं देखा, आप भी तो हमारे दोनों बच्चे गिर के बच्चे हैं, सभी लोग, गेट के सामने हमारे यहाँ नाला है, तो भाई अनेक तरह से बीमारियाँ हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए है, उनको हम कितना ढककर ओडोमॉस लगाए, क्या क्या लगाए, जैसे में मतलब
मलेरिया फाइलेरिया हर चीज का मतलब दिक्कत हम लोग को चल रही है। अभी तो फिलहाल में चिकनगुनिया हुआ था जो कि हमारे फैमिली में दो लोग को हो चुका है, तो इसके लिए मतलब जितना हो सकता है उतनी तो हम लोग रखते ही है, करते हैं, बट उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। नेते लोग आते हैं मतलब ज्यादा परेशानी से कब होती है दीदी, गर्मी के समय में कि हमेशा होती है? अरे हमेशा होती है, स्मेल तो हमेशा आता है। गर्मी आ जाएगी तो और भी मतलब होती है, क्योंकि मतलब गर्मी से मतलब उमस भी होता है और उसकी मतलब स्मेल बहुत ज्यादा होती है, और स्मेल के अलावा मतलब कि जो मच्छर होते हैं और भी ज्यादा फैलने लगते हैं। इसमें कभी छिड़काव नहीं होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही कैसे है। जब वोट के समय होते हैं, जब यहाँ पे प्रधान या सभासद आते हैं, तब आप लोग नहीं कहते इसके लिए? कहने को हर बार होती है, कहने से क्या आश्वासन मिलता है दीदी? कुछ भी नहीं, हाँ हो जाएगा, आप इस बार जीतेंगे, हो जाएगा, इस बार जीतेंगे, हो जाएगा। और जीतने के बाद फिर जीतने के बाद तो शकल भी दिखाने नहीं आते हैं लोग, जीतने के बाद तो शकल भी दिखाने नहीं आते। वोट लेना होता है तो हाँ माता जी, हाँ बहन, हर चीज बोलते हैं, जो नहीं होना चाहिए सब बोल के चले जाते हैं। फिर होने के बाद आप कहाँ और हम कहाँ, पानी का समस्या था, सड़क की समस्या थी, कितने चिल्लाने पर भी मतलब चलो एक बार हो गया सो हो गया, और बाकी तो इसकी समस्या अभी समाधान नहीं हुआ है और पता नहीं होगा कि नहीं। क्या इस सरकार से क्या उम्मीद है, इस जो है कि अभी अभी देख रही है कि उन्होंने लगभग में 12 करोड़ रुपया जो कि सौगात लेकर आए थे, तो क्या इससे विकास के मुद्दे पर कहाँ तक पहुँच रहा है आपको? हमें तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ विकास हुआ है, ज्यादातर कहने से हाँ यही थोड़ा मतलब इधर का सड़क खराब था बस वही बनवा दिए कि चक्रोड निकाल दिए कि हाँ चलो हो गई है, और मतलब बैठने के लिए मतलब ये तो चौतरा लगवा दिए कि हाँ बैठ जाओ, मतलब इतना ही किए मतलब उसको ढलवा दे कि हाँ सबको आसान हो। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और बगल में खुले नाला है, कभी भी हादसा किसी वक्त भी हो सकता है, और इसके जिम्मेदार कौन हो गया? क्या उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार या अधिकारी लोग होंगे जो कि उन्होंने करोड़ों रुपए तो खर्च कर रहे हैं? आखिर क्या है बनारस की स्थिति? जैसे आपने देखा दोस्तों कि हमने इन लोगों से दो बात किया, लेकिन इनका सीधे आरोप है कि हम लोग तो कई बार कहते हैं यहाँ तक कि जब भी चुनाव आता है तभी दो नेता या कोई सभासद आता है, लेकिन जब भी कहते हैं तो वो एक आश्वासन ही देकर चल जाते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ हम लोग को मिलता नहीं है। लेकिन अभी आस लगा है कि बनेगा, कि हम लोग इसी में जिंदगी गुजारते हैं। बस कहने के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में विकास, लेकिन ये है आपके सामने विकास का नजरिया। तो जुड़े रहिए मेरे लाइफ के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।